दोस्तों, जब से वी आई एयरटेल एंड जियो ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमत बढ़ाई है, तब से ज़्यादातर लोग BSNL का सिम कार्ड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास BSNL का सिम कार्ड है या ख़रीदने की सोच रहे हो, लेकिन उससे पहले आपको BSNL के रिचार्ज प्लान की जानकारी लेना है, तो इसके लिए बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको BSNL के सबसे सस्ते सिर्फ कॉलिंग रिचार्ज प्लान की जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे आप कीपैड वाले मोबाइल में सिम कार्ड यूज़ कर रहे हों या एंड्रॉयड मोबाइल में, आज जो मैं आपको प्लान बताऊंगा वो दोनों ही मोबाइल फ़ोन के लिए बेस्ट रहेंगे। तो BSNL का सबसे सस्ता पहला रिचार्ज प्लान आता है 94 रुपये का। इसकी वैलिडिटी पूरे 28 दिन की रहती है। इसमें आपको पूरे महीने के लिए सिर्फ एक बार 3 GB डाटा दिया जाता है। इसमें वॉइस कॉल अनलिमिटेड नहीं रहती है, बल्कि पूरे महीने के लिए सिर्फ आपको इसमें 200 मिनट ही दिए जाते हैं। इन 200 मिनट को या तो एक दिन में खर्च कर दीजिए या फिर थोड़ा थोड़ा यूज़ करके पूरे महीने चला लीजिए। ये रिचार्ज प्लान उन लोगों के लिए सही रहेगा जिनको अपना नंबर OTP वगैरह के लिए या फिर सिर्फ इनकमिंग कॉल आने के लिए चालू रखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्लान आता है 107 रुपये का। इसमें भी आपको 200 मिनट दिए जाते हैं, महीने में एक बार 3 GB डाटा दिया जाता है, लेकिन इस प्लान की वैलिडिटी हमें 35 दिन की मिलती है। 94 रुपये वाले प्लान और 107 वाले प्लान में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, 94 रुपये में हमें 30 दिन दिए जा रहे हैं और 107 रुपये में हमें 35 दिन दिए जा रहे हैं। बाकी मिनट और डाटा दोनों में सेम रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ज़्यादा कॉलिंग करना होता है तब आप इस रिचार्ज को नहीं कराइएगा, बल्कि वीडियो में आगे जो मैं आपको प्लान बताऊंगा उनमें से कोई एक प्लान चूज़ कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट प्लान आता है 108 रुपये का। इसमें अनलिमिटेड कॉल मिलती है। इसके अलावा डाटा की बात करें तो इसमें हमें रोज़ाना 1 GB डाटा दिया जाता है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन रहती है। 107 और 108 रुपये में सिर्फ 1 ही रुपये का फ़र्क है और 1 रुपये के फ़र्क से 107 रुपये में हमें सिर्फ मिनट दिए जा रहे हैं, बल्कि 108 रुपये में हमें अनलिमिटेड कॉल के साथ 1 GB डाटा रोज़ाना दिया जा रहा है। लेकिन 108 रुपये वाला प्लान कुछ ही नंबर पर शो कर रहा है। अगर आपके नंबर पर 108 वाला प्लान शो कर रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसी रिचार्ज को कर लीजिएगा। इसके अलावा BSNL का नेक्स्ट प्लान आता है 147 रुपये का। 147 रुपये में हमें अनलिमिटेड कॉल दी जा रही है, पूरे महीने में एक बार 10 GB डाटा दिया जा रहा है और इसकी वैलिडिटी हमें पूरे 30 दिन की दी जा रही है। 147 रुपये में आप अनलिमिटेड कॉल पूरे महीने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये तो थे प्लान एक महीने के। अब अगर मान लो आपको 3 महीने वाला रिचार्ज प्लान देखना है तो 3 महीने का पहला कॉलिंग प्लान आता है 439 रुपये का। 439 रुपये में हमें अनलिमिटेड कॉल मिल जाएगी, पूरे महीने के लिए एक बार 300 SMS मिलेंगे और इसकी वैलिडिटी 90 दिन की मिलेगी। यानी 439 रुपये में हम 90 दिन तक अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं और 300 SMS यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्लान आ रहा है 999 रुपये का। 999 रुपये में हमें अनलिमिटेड कॉल दी जा रही है, वो भी 215 दिन के लिए। इसके साथ साथ हम 60 दिन के लिए अपने नंबर पर BSNL की फ्री में कॉल ट्यून भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा BSNL का 1198 रुपये का रिचार्ज प्लान भी है। 1198 रुपये में आपको हर महीने 300 मिनट दिए जाएंगे, 3 GB डाटा दिया जाएगा हर महीने और हर महीने 30 SMS भी दिए जाएंगे। इस प्लान की वैलिडिटी हमें 365 दिन मिलती है, यानी कि 365 पूरे साल में आपको हर महीने 300 मिनट दिए जाएंगे। एक महीने के एक दिन में अगर आप 300 मिनट का इस्तेमाल कर लोगे तो बाकी दिन आप खाली रहोगे। अब नेक्स्ट महीना आते ही आपको दोबारा से 300 मिनट मिल जाएंगे, 3 GB डाटा और 30 SMS मिल जाएंगे। तो ये रिचार्ज मेरे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट प्लान आता है 1499 रुपये का। 1499 में अनलिमिटेड कॉल रहेगी, पूरे महीने के लिए 24 GB डाटा रहेगा, 100 SMS रोजाना दिए जाएंगे। इस रिचार्ज की वैलिडिटी 336 दिन है। आपको इनमें से कौन सा प्लान सबसे बढ़िया लग रहा है और आप अपने नंबर पर कौन सा रिचार्ज कराने वाले हैं, मुझे कॉमेंट करके बताइएगा।